जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स ऑफ फोर्स पे, और मैं हूँ ऋषभ। तो दोस्तों, हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है ताकि आपको एक ही वीडियो में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो, ऐसा हम बहुत सारा सेट बना दें आपके एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको ईजिली कर पाए। तो बस हम एक ही चीज़ आपसे चाहते हैं, और बार बार हम कहते हैं कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर लास्ट में पसंद आए तो लाइक कर देना। और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक क्वेश्चन भले ही मैं 10 लिया हूँ इस वीडियो में, 8 लिया हूँ, लेकिन 50 क्वेश्चन कम से कम इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो अगर आप चाहते हो पीडीएफ के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया, हिस्ट्री यहाँ मिलेगा आपको, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और मॉक टेस्ट 1 है। आप चाहते हो 1 के बाद अगर 100 हो जाए, तो बस 100 मॉक टेस्ट चाहते हो आप, तो कम से कम आप इस वीडियो पे 50 लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ मैं इस वीडियो बनाने के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विथ द डांडी मार्च। डांडी मार्च के साथ कौन शुरुआत हुआ? देखो, मैं आपको पहले बता दूँ, अपना एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री में किसी भी क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम फ्रेम याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद रख लो, जैसे इंडिया जो है 1947 में आज़ाद हुआ, ये तो सबको पता है, तो आपको ये नहीं करना है। आप 1900, 1920, 1940 ऐसे याद रख लो, और उसी से आप रेट कर सकते हो कि 5 साल आगे क्या हुआ, 5 साल के पीछे क्या हुआ। तो होम रूल लीग मूवमेंट जो है 1916 का है, टाइम याद रखना है, एनी बेसेंट के और बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1920 टू 1922, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ 1930 में, आपने सुना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 1930 में स्टार्ट किया गया, और इसी में क्या किया गया, हमें अवज्ञा करना है, मतलब आज्ञा का उल्टा क्या होता है, अवज्ञा। तो इसीलिए इसको डांडी मार्च से हम रिलेट करते हैं, ताकि गांधी जी ने, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था कि कोई भारतीय नमक का उत्पादन नहीं कर सकते, तो गांधी जी ने खुद से नमक बनाया, जो कहना अंग्रेज ने चाहा उसको तोड़ा, इसीलिए इसको अवज्ञा बोलते हैं। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जान लें कि ये 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था, मतलब गांधी जी साबरमती से लेकर के 12 मार्च को निकले थे और डांडी पहुंचे थे, गुजरात का कोस्टल सिटी है डांडी, आज भी है, वहाँ 6 अप्रैल को पहुंचे थे। इसमें टोटल आप याद रख लो, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि गांधी जी ने 390 किलोमीटर दूरी तय किया था, और इनके साथ 78 फॉलोअर्स थे, ठीक है। और होम रूल जो लीग मूवमेंट है वो 1916 में स्टार्ट किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यहाँ पे एओ ह्यूम है, तो एओ ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था, ठीक है, तो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। देखो तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है थोड़े से यहाँ पर डाउटफुल है। थियोसोफिकल सोसाइटी का जो स्थापना है वो बेसिकली एनी बेसेंट, इसका पहले तो आंसर मान लो, लेकिन एनी बेसेंट ने इस क्वेश्चन को पहले, अगर रहता है ऐसा क्वेश्चन कि थियोसोफिकल सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है यहाँ पे, लेकिन लीड बाय, इसमें से थियोसोफिकल सोसाइटी को किसने चलाया जाके, देखो पहले जानो थियोसोफिकल सोसाइटी, तो इसका स्थापना किसने किया, तो थोड़ा नाम आप देख लेना, मैडम एच पी और कर्नल ऑलकॉट, ठीक है, 1907 में आकर, 1907 में आकर के एनी बिसेंट ने इसको लीड किया, और इसका हेडक्वार्टर उस समय कहाँ पे था, चेन्नई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशनल कोट है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल से हटाकर पेन क्यों दिया जाता है, ताकि हमें समझ पाएँ कि अब जो हम गलती कर रहे हैं उसे मिटाना आसान नहीं है। तो यहाँ पर आप इससे क्या सीख सकते हो कि अब ज़िंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसको पूरी तरह से ग्रैब करने की कोशिश करो। वैसे भी देख रहे हो दिन पर दिन एग्ज़ाम कम होते जा रहे हैं, पहले दो दो एयरफोर्स के, दो नेवी के एग्ज़ाम हुआ करते थे, कोस्ट गार्ड के, अब कम हो रहे हैं, तो आप दोगुना मेहनत करो, ताकि जितना भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसी में आप हासिल कर लो, ठीक है। वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, शेयर नहीं करो कम से कम तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतना उम्मीद करूँगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखो, द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट ऑकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप जानते हो अर्थ है इक्वेटर, तो ऊपर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे हुआ सदर्न हेमिस्फीयर। अब कुछ चीज़ याद रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे
लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? 22 दिसंबर को। ठीक है, तो वही तो पूछा था छोटा दिन कब से होगा, तो 22 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसी का उल्टा इधर हो जाएगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन जो होगा वो 22 दिसंबर को, सबसे छोटा दिन जो होगा वो 21 जून को होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड, करो या मरो का नारा किस में दिया गया था? तो देखो कभी कभी स्लोगन्स पूछ लेते हैं, दिल्ली चलो किसने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। डू और डाई ये महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था, बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको ये बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक, तो उस समय भारत का वाइस रॉय कौन था आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ? 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर के 1922 तक, 1922 में यह बंद कर दिया गया। कब क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि चौरा चौरी इंसिडेंट हो चुका था, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी इंसिडेंट, गोरखपुर के पास पुलिस चौकी को जला दिया गया था, तो गांधी जी ने इसे विड्रॉ कर लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैंने बता रखा है, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक माउंटेन है और किस कंट्री में है आपको बताना है। देखो एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें माउंट फुजियामा कहाँ पे है, जापान का है, माउंट एटना इटली का है, तो मैं सारे वॉल्केनिक माउंटेन को एक वीडियो में करवा दूंगा। जैसे इंडिया में भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है बैरन जो आइलैंड है, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। देखो माउंट रेनियर ये यूएस का है, तो एक अब क्या हो गया, 4 हो गया, और माउंट एटना इटली का। अगर हमें दो ही पता रहता तो क्या हम आंसर निकाल पाते? ए का 4 कहाँ पे है? या तो ये सही हो सकता है, या तो ये सही हो सकता है, या तो ये सही, सी ऑप्शन गलत होगा। माउंट एटना इटली में है, यानी कि बी का 1 कहाँ पे होगा? तो बी का 1 यहाँ पे नहीं है, बी का 1 यहाँ पे है, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खैर इसको आप देख लो, माउंट रेनियर यूएस का है, एटना इटली का है, पेरिकुटिन ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेरिकुटिन कहाँ का है? मैक्सिको जो है वह अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और टाल कहाँ पे है? फिलीपींस। ठीक है, आपको बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किस देश से एसोसिएटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो रॉक्स के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, 3 टाइप्स ऑफ रॉक होते हैं, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, इग्निशियस रॉक कौन होते हैं? जो वॉल्केनो जब एरप्ट होते हैं तो जो भी रॉक्स होते हैं वो बाहर निकलने के बाद ठंडे हो जाएंगे। तो देखो ज्योग्राफी में मैं साल बोलूँगा, वहाँ पे 1000-2000 साल को कम माना जाता है, तो कुछ हज़ारों साल बाद वो जो रॉक्स जो ठंडे हो जाएंगे वो न्यू रॉक्स होंगे, उसे ही क्या बोलते हैं? इग्निशियस रॉक्स। इसके कुछ एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। जैसे कि इग्निशियस रॉक एग्जांपल आप लिख लो, ग्रेनाइट होते हैं, लेपोलिथ होते हैं, बासाल्ट होते हैं, गैब्रो होते हैं। सीडिमेंट्री रॉक्स थोड़े बहुत पुराने होते हैं, इसे फॉसिल फ्यूल काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल। तो सीडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल पहले देख लो, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल और सेल। तो सेल किसका है? सीडिमेंट्री रॉक्स का। उसी तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो एग्जांपल लिख लो, मार्बल, डायमंड और क्वार्ट्ज, आप जान सकते हो मार्बल, डायमंड और क्वार्ट्ज जो घड़ी में यूज होता है। तो वो सामल वार्म एंड ड्राई विंड इज लोकल विंड फाउंड, जैसे कुछ विंड पूछ सकता है आपसे, लू कहाँ का है? इंडिया का है, जानते हो ड्राई विंड है, चिनूक कहाँ का है? यूएस का है। उसी तरह से सामल कहाँ का है? तो सामल एग्जैक्टली इसका आंसर इसमें दिया गया है, सामल का जो इसका आंसर होता है आप माजिद हुसैन के बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो गल्फ रीजन है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, उसके ऊपर सामल एक वार्म जो ड्राई विंड है वो गुजरता है। तो वो यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को आप क्या मान सकते हैं कि ईस्ट एशिया में कौन सा आता है? जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, तो ये तो गलत हो गया। वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में कौन सा कंट्रीज आ जाएगा? जानते हो नामीबिया आ गया, टोगो आएगा, अंगोला आएंगे,
तो ये तो हुआ नहीं, सहारा ऑफ अफ्रीका होगा नहीं, मेसोपोटामिया किसका पूरा नाम है, इराक का, इराक का पुराना नाम क्या है, मेसोपोटामिया। तो इराक क्या है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, और मैं एक स्लाइड अभी लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो, इसके स्क्रीन शॉट ले लेना कि किस देश में, किस कॉन्टिनेंट में कौन से विंड फ्लो करते हैं, कौन से विंड पाए जाते हैं। इसको आप मैचिंग कराने में खूब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। देखो इंडस रिवर सिस्टम पे मैं अलग से बनाऊंगा वीडियोस, ब्रह्मपुत्र पे, गंगा पे, अलग अपने आप में टॉपिक है। एक बात याद रख लो कि रावी, झेलम, ब्यास, सतलज और चेनाब, ये सभी जो है पांच नदी का जो मैंने नाम लिया, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडस के ट्रिब्यूटरीज है। तावी जो रिवर आपको दिख रहा है यह चेनाब रिवर का ट्रिब्यूटरीज है। चेनाब रिवर कहाँ से इमर्ज करता है, तो यह लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, वहाँ से इस यहाँ से रिवर निकलता है, वहाँ से दो रिवर एक्चुअली निकलता है, एक चंद्र रिवर, एक भागा रिवर। चंद्र और भागा जहाँ पे मिलता है उसी को चेनाब बोलते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चेनाब रिवर पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, चेनाब रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है 359 मीटर का, आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैस्ड। कुछ देखो हम तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेवन स्केड्यूल में आप जाओगे, सातवीं अनुसूची में, वहाँ पे बात किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आपको चीज़ याद रखना है कि यूनियन लिस्ट में कौन आता है, बैंकिंग, डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, कम्युनिकेशन, तो बैंकिंग सही दिया गया है। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, एग्रीकल्चर, ट्रेड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, एक इसमें आता है स्टेट लिस्ट में, तो ये भी सही दिया गया है एग्रीकल्चर से। कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकती है, उसे हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या आता है, फॉरेस्ट, मैरिज, एजुकेशन। एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, बाद में इसको डाल दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975-76 के जरिए। और रेसिड्यूसरी लिस्ट जो लिखा गया है, रेसिड्यूरी मतलब जो बाकी है, जिस पर कोई भी कानून बना सकता है, तो ऐसा नहीं है। एजुकेशन किस में मैंने बोल दिया, एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो यही गलत दिया गया है। अगला क्या है, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट को बोलते हैं हिंदी में महाभियोग। अगर हमें प्रेसिडेंट को हटाना है तो इसके लिए आर्टिकल 61 का उपयोग हमें करना पड़ेगा, और कोई भी स्टार्ट कर सकता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी हाउस से। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पार्लियामेंट का आपसे डिफिनीशन पूछे ना, व्हाट इज़ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इक्वल टू पार्लियामेंट होता है। तो या तो यहाँ से स्टार्ट कर लो या यहाँ से स्टार्ट कर लो, दोनों जगह से हम इम्पीचमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक आपको ट्रिक याद रखना है, सरला, स से हुआ संसद जिसको हम बोलते हैं 79 आर्टिकल में है, राज्यसभा जो है 80 आर्टिकल में है, और लोकसभा है 81 आर्टिकल में है, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 में किया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन इन इंडिया आर चेयर्ड बाय, ज्वाइंट सिटिंग का पहला बात आर्टिकल 108 में किया गया है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग की बात आर्टिकल 108 में किया गया है। और ज्वाइंट सीटिंग को चेयर कौन करता है, मतलब इसको आगे बढ़ाता कौन है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर नहीं रहे, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर नहीं है, एब्सेंट है, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने क्वेश्चन लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मैंने जितना भी टॉपिक समझाया, मतलब इस क्वेश्चन के बाहर का भी जो टॉपिक समझाया, वो समझ में आया होगा। और आपको इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल दे दूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में बोला गया है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट किसको चेयर करते हैं, ये राज्यसभा को चेयर करते हैं, ये 63 आर्टिकल में है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा यहाँ पे है, जो 108 आर्टिकल का यूज करके वो चेयर करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर्टिकल 75(1) में बोला गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और द अरुणिमा IAS चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा सेकंड चैनल है जहाँ पे आप UPSC, BPSC, स्टेट, PCS की तैयारी आप ऐसे शख्स से कर सकते हैं जिन्होंने NDA, IIT और ख़ुद
यूपीएससी 3 बार मेंस उसका मतलब क्लियर कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।